जी तो नाजिन, आज कामरान शाहिद और जवेद लतीफ के दरमियान बड़ी गर्मा गर्म बहस हो गई और कामरान शाहिद ने यह भी जवेद लतीफ से पूछा कि क्या आप लोग कामरान इमरान खान से हाथ मिलाएंगे, क्या आप लोग उसके साथ चलने को तैयार हैं, एक पेज पर आने को तैयार हैं। तो इस पे जवेद लतीफ ने क्या जवाब दिए और क्या उनका कहना था, आइए पहले वीडियो देखते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। मसला ये है जनाब के पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है ना, ये तो मानने वाली बात है कि किसी एक शख्स के पास तो है नहीं। लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब, आप तो एटलीस्ट आज की डेट में कॉन्फिडेंट होंगे, जब मैं ये ऐलान पढ़ रहा था कि 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मुझे लगता है वो कुछ तो चेंज ले, कोई अच्छी खबर सुना दें। चले बाकी चीज़ें छोड़ें, आप नवाज शरीफ साहब का क्या एजेंडा होगा इस मुल्क को प्रॉब्लम से बाहर निकालने का, को आपको सुनकुन है या आप कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं अभी तक? नहीं कामरान, क्या एजेंडा होगा? एक तो आपका शुक्रिया कि आप हर बात को मजाक में लेते हैं और बात अपनी पूरी कर जाते हैं, मगर मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि देखें नवाज शरीफ जब जब आए पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना था और फिर नवाज शरीफ ने उनको ड्रेस किया। अगर कौम उन पे तवक्को रखती है तो वो तवक्कोआत पर पूरा भी उतरते हैं। आपको याद होगा 1997 का दौर जब एटमी धमाके इंडिया ने किए उसके जवाब में हुए, फिर आपको 2013 का वक्त याद होगा जब नवाज शरीफ आए, पाकिस्तान के अंदर अंधेरे थे, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी थी, 25-30 लोग किसी नवाज शरीफ साहब और इमरान खान में कोई एग्रीमेंट हो सकता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी टाइप, किस शुएब साहब आई थिंक उसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? नहीं देखें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी टाइप हो सकता है नवाज शरीफ और इमरान खान साहब? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने पहले भी साइन किया, आपको 2006 का वक्त याद होगा, सियासी जमातों से होते हैं और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से हुए। मगर मुझे ये बताएं 9-10 मई का वाकया करने वाले के साथ क्या मिसाक जमहूरियत हो सकता है? आप जवाब दे दें, अगर होना चाहिए तो यकीनन मैं हाँ में बात करूँगा। तो अगर किसी दहशतगर्द से मिसाक जमहूरियत करना है, मैं जमहूरियत को तबाह करने वाले, मीशत को तबाह करने वाले, रियासत को तबाह करने वाले तो वो तो नहीं समझिए, नहीं मेरे लो ना समझो, रियासत को लो ना समझो, मगर मैं जो आप बात करना चाह रहे हैं कि आप आएंगे तो क्या करेंगे, मैं आज भी आपको ये कह रहा हूं कि जिन बड़े चैलेंजेस का सामना है, अगर तो उस वक्त के किरदार बेनकाब करके तमाम अदारों में बैठे लोग जो हैं जिन्होंने इस तबाही में हिस्सा जब आप ये करेंगे ना, जब आप जनरल बाजवा तक जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, तो आप मैं जो आप कह रहे हैं ना, इतने आप अभी ऑप्टिमिस्टिक आपकी फाइंडिंग्स आ रही हैं और आप सब कुछ कर रहे हैं, मैं उस वक्त आपसे पूछूंगा। अभी तो आप ये कह रहे हैं जी जो दहशतगर्द है जिन्होंने रियासत पे हमला किया, रियासती इदारे पे हमला किया, वो उनको तो आप माफ़ नहीं कर सकते। जब आप ये करेंगे तो फिर पता नहीं आपको कौन माफ करेगा, एटलीस्ट मैं तो नहीं करूंगा। शाहिद शाहिन साहब लेकिन नहीं, ठहर जाए एक सेकंड कामरान, नहीं नहीं कामरान एक सेकंड कामरान साहब, ये कामरान साहब कोई तरीका नहीं है, आप अपना भाषण पूरा कर लेते हैं और अगले की बात ही नहीं होने देते। आपने एक सवाल किया है, आपने एक सवाल किया है कि क्या आप लोग आके क्या करेंगे, तो मैंने उसका जवाब देना है, मुझे बात तो करने दें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2013 का आप देख लें कि हम लोग आए, हमने चीज़ों को ड्रेस किया और पाकिस्तान 2017 में एक कामयाब तरीन पटरी पे चढ़ चुका था और दुनिया को नजर भी आ रहा था। अब आ जाएं कि ये सब पिछले 4 मिनट से आपसे मैं बात कर रहा हूं, आपने आपने बता दिया कि आप जो जिस तरह पहले अच्छे काम किए थे मैं उसको पॉजिटिव वे में ले रहा हूं, नहीं वैसे अच्छे काम करेंगे, ठीक है आपका पॉइंट आ गया ना सर, बाकी से भी तो बात करेंगे। आप पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें मुझे इससे नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब आज भी जिन चैलेंजेस का सामना है, नवाज शरीफ आएंगे, एक मैं एग्जांपल दे देता हूं कि नवाज शरीफ सी पैक को पाया तकमील तक पहुंचा दें तो पाकिस्तान फिर तरक्की की पटरी पर चढ़ सकता है, यही एक हमारे पास रास्ता रह गया है। भाई आपके अजायम है ना, अच्छे अजायम है, मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, वो पॉजिटिव कह रहा हूँ, वो भी आपको चुभ रही बात। मियां साहब आज मुझे आपकी बैठे, मैं तो तारीफ भी कर, नहीं नहीं मुझे आपकी वैसे चुभती है, फिर जब आपको जब आपको असली खंजर लगेंगे ना मियां साहब, उधर फिर असी थोड़ी थोड़ी बहुत सपोर्ट कर देंगे। बात तो ये है कि मैं जवेद लतीफ साहब से पूछा जाए, ये इसहाक डार साहब, खुद मियां साहब और शहबाज शरीफ साहब, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी, पीडीएम की हुकूमत नहीं थी, ये किसी और की हुकूमत थी? किस कॉन्टेक्स्ट क्या में वो किस वो तो 2013 से 18 मुझे बता दें, 16 महीनों में इस मुल्क का बेड़ा गर्क जो किया है इन्होंने, जो महंगाई मुकाओ मार्च का नारा लेकर आए थे, क्या ये और तरह की हुकूमत थी जो 13 से 18 की मिसालें दे रहे हैं?
6.1 जीडीपी को ला करके जीरो पे ले आए, डॉलर को आप कहां पहुंचा दिया और आपने पेट्रोल को कहां पहुंचा दिया। एक सेकंड बात करके, मुल्क को महंगाई गुर्बत की दलदल में फंसाने के बाद आज कहते हैं कहां वो तीर मार लेंगे। क्या बारिश है, क्लीन शेव है, क्या पोजीशन है, होप्स आई हैं, लोग आप मिलते हैं उनसे? वो हाई स्पिरिट में है, वो शेव की हुई है उन्होंने, बिल्कुल शेव की हुई है, बिल्कुल हाई स्पिरिट में है। उन्होंने कहा है कि भाई पूरे मुल्क को इन्होंने जेल बना दिया है। अच्छा, उनको टीवी अगर मिला है अंदर? मेरा ख्याल है टीवी तो टॉक शो देखते हैं आपका, मेरा ख्याल है वो पीटीवी के अलावा वो कोई वहाँ फैसिलिटी अच्छा। नहीं है पीटीवी की भी स्पोर्ट्स की हद तक मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है। और लेकिन एक बात उन्होंने कहा है, इस वक्त मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। भाई आप अंदर बैठ के अपनी पार्टी को मसला डाल के ये तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कामरान शाहिद ने बड़े सख्त सवालात किए जवेद लतीफ से, और कामरान शाहिद ने ये भी पूछा कि क्या आप लोग इमरान खान से हाथ मिलाएंगे। तो आगे से जवेद लतीफ का जो जवाब था वो ये था कि इमरान खान जो है वो एक दहशतगर्द है और हम दहशतगर्द से हाथ नहीं मिलाएंगे, जबकि हकीकत देखी जाए तो दहशतगर्द इमरान खान नहीं है, दहशतगर्द ये लोग हैं। और फिर दूसरी चीज ये है कि ये लोग अपना वो टाइम गिनवाना शुरू कर देते हैं, 2013 से 2017 तक हमने ये कर लिया, और भाई क्या कर लिया आपने, आपने मुल्क को कर्जों के नीचे डुबो दिया, आप लोगों ने तबाही फेर दी है, क्या किया आप लोगों ने, नीरी आप लोगों ने करप्शन की है, क्यों नवाज शरीफ वापस नहीं आता, क्यों अपने केस नहीं यहां पे भुगतता, क्या उस पर झूठे केस है, आप लोग साबित करो कि उस पर झूठे केस है, फिर तो ठीक है। और दूसरी बात रह गई जीएचक्यू की, जीएचक्यू में इमरान खान तो जेल में था, क्या उसको यह पता था कि रेंजर भेज के बजाय पुलिस के, रेंजर भेज के और वहां के अदालत के शीशे तोड़वा के आप लोग इमरान खान को अरेस्ट करेंगे, उसको पता था? उसको नहीं पता था, लेकिन आप लोगों को पता था, आप लोगों का सारा मंसूबा ये बना बनाया था कि इसको इमरान खान को जो है रेंजर्स के थ्रू अरेस्ट करवाएंगे, उसके बाद इसको जेल में डलवाएंगे, फिर जाहिर है लोगों का रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। जब लोगों का रिएक्शन आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, अपने बंदे जीएचक्यू में भेजेंगे, वहां तोड़फोड़ करेंगे, आग लगवाएंगे। किधर थी सिक्योरिटी उस टाइम? सिक्योरिटी का कोई पता नहीं। जब राणा सनाउल्लाह के घर पर लोगों ने अटैक किया, वो जेन्युइन किया, वहां पे सिक्योरिटी आ गई, राणा सनाउल्लाह का घर बचा लिया गया, राणा सनाउल्लाह को बचा लिया गया, लेकिन जीएचक्यू जहां पे परिंदा पार नहीं मार सकता, वहां की सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो गई। क्या आपके पास इन चीजों का जवाब है? कामरान शाहिद ने तो पता नहीं क्यों नहीं पूछे आपसे ये सवाल, मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मेरे सामने बैठे थे तो मैं ये सवाल जरूर पूछता। तो व्यूअर्स आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका इस बारे में क्या ख्याल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।